नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने लेकर सत्ता का संग्राम। दोस्तों आज मेरे देश का किसान बहुत परेशान है। देश का किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसको फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। देश का किसान इसलिए परेशान है क्योंकि सूदखोरों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। देश का किसान इसलिए परेशान है क्योंकि सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती। देश का किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास तक संसाधन नहीं पहुंचते। देश का किसान इसलिए परेशान है क्योंकि सरकारें जो योजनाएं चलाती हैं वो उन तक नहीं पहुंचाई जाती। देश का किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उसके खाते में जो रुपए डालने की बात की जाती है वो उसके खाते तक नहीं पहुंचते। दर्शकों, देश भर, देश के हर कोने किसानों के साथ यही समस्या है। सरकारें कोई भी आई, कोई भी चेहरे आए, कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो या राज्यों में कोई भी मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन किसानों का हाल हमेशा खस्ता हाल रहा। किसी भी सरकार में, किसी भी राज्य में कभी भी किसानों को वो समर्थन नहीं मिला, सरकार की तरफ से वो साथ नहीं मिला कि वो उबर पाते। इसलिए दोस्तों हर सरकारों में हमने देखा कि किसानों ने आत्महत्याएं की, किसान कर्ज के तले दब गए, वो डेब्ट ट्रैप में फंसे रहे, लेकिन सरकारों ने इस पर कभी काम नहीं किया। और आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से हम यह प्रण लेते हैं कि किसानों के समर्थन में आखिरी सांस तक आवाज बुलंद करते रहें। और दोस्तों, किसानों के साथ खड़ा होना किसी भी तरह से, मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, किसी भी तरह से खालिस्तानी नहीं होता, वो माओवादी नहीं हो सकता, किसी भी तरह से वो किसी भी लॉबी का नहीं हो सकता, क्योंकि असली किसान घरों में है, उसके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो बाहर निकले, वो चीजों को समझे। इसलिए दर्शकों आज मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हाल पर सरकार को सुध लेनी चाहिए। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में हमेशा हम हमेशा उन किसानों की आवाज बनते रहेंगे। दर्शकों, लेकिन ये जो लोग मुखौटा लगाकर, ये जो लोग अपने चेहरे के आगे टमटम लगाकर, ये जो लोग अपने चेहरे के आगे एक नकली मास्क लगाकर खुद को बार बार कह रहे हैं कि हम किसान हैं, हम किसान हैं, हम किसान नेता हैं, किसने इनको किसान बनाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कब किसान बने जो कल तक चुनाव लड़ते थे, जो कल तक वोट मांगते थे, जो कल तक इस पार्टी में थे, कल तक उस पार्टी में थे, ये बिन पैदा के लोटा थे और आज ये खुद को किसान बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको आज हमारे असली किसानों के लिए ये खतरा बन चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, जो असली किसान हैं उनको चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि इनके जरिए आज असली किसानों को भी बदनाम किया जा रहा है। और जो मेरे देश के अन्नदाता है उनको लगातार बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग सरकार से सीधे नहीं लड़ सकते, जो लोग मोदी सरकार पर सीधे अटैक नहीं कर सकते, जो लोग मोदी सरकार को सीधे घेर नहीं पा रहे थे, अब उन्होंने एक नई टूल प्रक्रिया शुरू की है और यह है किसान आंदोलन। क्योंकि पूरे देश की भावना किसानों के साथ जुड़ी रहती है, पूरे देश की भावनाओं में किसान जीवित रहता है, इसलिए ये सभी लोग मिलकर अब किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी गोलियां चला रहे हैं। दर्शकों, ये अपनी सियासत की रोटियां सेक रहे हैं जिसमें तवे का नाम किसान है। किसान जल तो रहा है लेकिन रोटियां किसी और की सिक रही है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि ये जो किसान, जो नकली किसान है, इनको राजनीतिक मंच, राजनीतिक सियासत या राजनीति जिस कदर करनी हो, जिस हद तक करनी हो, लेकिन इनको यह सोचना चाहिए कि इनकी वजह से जो असली किसान है वो कितनी मुसीबत में आ गए हैं, जो असली किसानों के मुद्दे हैं वो किस तरह से फंस चुके हैं। दर्शकों, बार बार इस बात का जिक्र होता है कि ये जो बॉर्डर पर, ये जो सड़कों पर, ये जो 26 जनवरी को उपद्रव कर रहे थे, ये कौन है? दर्शकों, ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के लोग, राजनीतिक पार्टी की मंशा के लोग,
और जो चेहरे नजर आते हैं, बड़े बड़े चेहरे, जो इस आंदोलन से बताया जाता है ये बड़ा चेहरा निकले, राकेश टिकैत साहब, ये कल तक चुनाव लड़ते थे, कल तक बीजेपी के साथ थे, आज बीजेपी के खिलाफ। भला एक बात बताइए, बंगाल चुनाव में इनका क्या काम था? भला एक बात बताइए कि इनका जम्मू कश्मीर के मसले पर बोलने का क्या काम है? भला एक बात बताइए कि देश के आंतरिक मामलों पर ये जो बाइडन को ट्वीट करते हैं, जो द बाइडन, सर हमारे देश के आंतरिक मामलों में आइए दखल दीजिए। भाई क्यों? कनाडा के राष्ट्रपति से ये सीधे कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो साहब आइए इधर बोलिए। भाई क्यों क्यों बोलेंगे वो? दोस्तों, इसी असली किसान और नकली किसान के बीच में फर्क करने का समय आ गया है, क्योंकि मुखौटों के चक्कर में जो असली मैल जमा है उसको निकालना, उसको हटाना बेहद जरूरी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे दर्शकों। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, इनसे आपका तारुफ करा देता हूं। तो हमारे साथ जो जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे एक बार आपको मिलवा देता हूं। गौरव मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, कुंवर बिलाल बर्नी साहब जुड़ेंगे, निरंजन पोदार साहब जुड़ेंगे, अभिषेक पवार साहब जुड़ेंगे और गज्जू पठान साहब भी जुड़ेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन पर आते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर जुड़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को मेरी आवाज मिल रही है? एक बार शुरुआत, आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है आप सभी को? जी मेरे को आवाज आ रही है। ठीक है जी, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता साहब बैठे हैं अभिषेक पवार साहब, सबसे पहले तो इनके पास आना चाहूंगा। अभिषेक पवार साहब जी, जी जी, आपके पास आवाज आ रही है? अभिषेक जी 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 जी, ठीक। अभिषेक पवार साहब ये बताइए, पिछले 10 महीनों से आप सड़क पर बैठे हैं, अड़े हुए हैं, डिमांड आप रख नहीं रहे हैं, डिमांड जो रख रहे हैं उसको मानने से आप बिल्कुल पीछे। सरकार कह रही है कि ठीक है इन इन चीजों पे आके संशोधन कर लेते हैं, आप कहते हैं ना। सरकार कहती है आइए वार्ता करो, आप कहते हैं ना। सरकार कहती है ठीक है आपकी ये बात मान लेते हैं, इस बात पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, आप कहते हैं ना। सरकार कहती है भाई सड़क पर मत आओ, भाई लोगों को परेशान मत करो, आप कहते हैं ना। सरकार कहती है कि ठीक है भाई सड़कें जाम मत करो, ट्रैफिक व्यवस्था की ऐसी की तैसी मत करो, आप कहते हैं ना। सरकार कहती है कि फिर करना क्या है, आप कहते हैं कि हमें वो करना है कि जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां हंगामा करना है, वहां सड़कें जाम करनी है, वहां आम लोगों को परेशान करना है और मास्क लगाना है कि हम किसान। आपको पता है आज आपकी वजह से कितनी परेशानियां हुई लोगों को? क्या कुछ नहीं हुआ? इस भारत बंद से क्या निकला? ये तो फ्लॉप हो गया, अब बताइए क्या करेंगे? ये तो फ्लॉप राजनीतिक स्टंट साबित हुआ है, अब क्या करेंगे बताइए? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक किसान को अपनी बात रखने के लिए बड़े बड़े नेताओं के बीच में आपने बुलाया, और आपके न्यूज चैनल का भी धन्यवाद कि आप निष्पक्ष बात करने का काम करते हैं जी। मैं आपको बताऊं, हमारा जो ये आंदोलन करना है संवैधानिक रूप से भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, और सीधा सीधा मेरा तो तंज माने या ये समझे कि हम लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 11 बार की वार्ता हुई, हम लोगों ने कहा कि बिल वापस ले लो। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने, इनको को मंत्री द्वारा एक डिबेट में कहा जाता है कि 352 रुपए गन्ने का जो पेमेंट है वो, सॉरी माफी चाहूंगा, 352 रुपए जो गन्ने का खर्च आता है गन्ने की फसल पे, उसका जो है उन लोग इनके मंत्री ने माना। लेकिन यहाँ पे एक सुनियोजित महापंचायत मेरे मुजफ्फरनगर में की गई और वहां पे 25 रुपए बढ़ाने का काम किया। एक तरफ तो इनके ही मंत्री, केंद्र के मंत्री है, पहले कृषि मंत्री रहे हैं, अब पशुधन मंत्री है, और उन्होंने कहा कि 352 रुपए खर्च आता है गन्ने के फसल पे और 350 का भाव इन लोगों ने दिया।
सबसे पहली लड़ाई तो अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की करूं या उत्तर प्रदेश की करूं तो सबसे पहली लड़ाई तो है कि इन लोगों ने 350 रुपए हम लोगों को गन्ने का पेमेंट देने का काम किया। एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ये देशव्यापी प्रदर्शन है या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश रिलेटेड प्रदर्शन है? ये देशव्यापी प्रदर्शन है, ठीक है। तो गन्ने का मूल्य जो आपने 350 बताया, एक मिनट सुन लीजिए, गन्ने का मूल्य जो आप कह रहे हैं कि 325 है, 350 है, आपको इतना भुगतान किया जाएगा या मिल रहा है जो भी है, इसको लेकर आप सड़कें जाम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की आप बात नहीं कर रहे, कर्नाटका की बात नहीं कर रहे, आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहे, तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे, जहां 175 रुपए है, 280 रुपए है, 200 रुपए है, 225 रुपए है, वहां जाकर क्यों नहीं लड़ते आप? वहां कांग्रेस की सरकार है, दूसरी सरकार है, आपकी लड़ाई बीजेपी से है या सरकार से? यहां पर समझा दूं, सरकारें महाराष्ट्र, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं? जी जी जी, नहीं, हर सरकार से हमारी लड़ाई है। महाराष्ट्र की सड़कों पर आवागमन इतना ज्यादा बेहतरीन शानदार क्यों है? और ये आप नोएडा की और ये महाराष्ट्र में हम लोग गए, हमारे किसान नेता महाराष्ट्र में आप लोग गए उद्धव ठाकरे साहब से मिलकर? अरे गए, कहां सड़क पर क्या किया कौन कहता? हम लोगों ने पंचायत क्यों नहीं करते भाई? साहब आंकड़ा देखिए, पंचायत तमिलनाडु में हम लोगों ने पंचायत की, वहाँ पंचायत जब से मुजफ्फरनगर में हो सकती है, उत्तर प्रदेश में हो सकती है? नहीं, देशव्यापी है तो हर जगह तमिलनाडु में पंचायत, राजधानी क्यों बना रहे? आप पता करिए किससे पता करो? आपसे पता करो, पंचायत हुई आपका तमिलनाडु में? अरे नहीं नहीं, अरे आप पता करिए, आप लोग तो न्यूज के एंकर है, आप लोगों के पास आंकड़े होंगे। अगर आप लोगों के पास महापंचायत के आंकड़े नहीं है महाराष्ट्र के, तमिलनाडु को तो कहो तो मैं दे दूं, और बकायदा आप लोगों के नीति चैनल द्वारा चलित दे दूं। आप कहे तो मैं दे दूं, मैं आपको दे देता हूं। चलिए ठीक है, आप बोल ही रहे तो आपने बोला तो मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं। ठीक है पवार साहब, आप बोल ही रहे कि आपको नहीं पता तो मैं आंकड़ा दे देता हूं। आज बेंगलोर की घटना है, वहां भी एक छुटभैया प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन में एक किसान नेता है जिसके पास एसयूवी गाड़ी है, वो एसयूवी गाड़ी लेकर एसयूवी गाड़ी से वो डीसीपी के पैर पर गाड़ी चढ़ा देता है। दोबारा बताता हूँ, आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां भी प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि ठीक है, बेंगलोर में भी एक छोटी सी घटना हुई है। बेंगलोर में प्रदर्शन के नाम पर किसान तथा कथित किसान 10 एसयूवी गाड़ियों से निकले, जब इनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो एक डीसीपी के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। ये आज की घटना है बेंगलोर की, ये भारत बंद कर रहे थे, डीसीपी के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी, ये कौन सा भारत बंद है भाई? देखिए मेरे देश का जो किसान है, पहली बात तो इस प्रकार का गलत काम नहीं कर सकता। नहीं, मेरी सुन लीजिए, सबसे पहली बात तो आप लोग बार बार एक बात कहते हैं, ये बीजेपी वाले भी कहते हैं, और जो किसान आंदोलन के विपक्ष में है और कुछ गोदी मीडिया, मैं आपके चैनल को टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका चैनल निष्पक्ष दिखाता है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया छोटी छोटी बात को, कभी तो किसान को तालिबानी कहा जाता है, कभी किसान को खालिस्तानी कहा जाता है, कभी किसान को आंदोलनजीवी कहा जाता है। मेरे देश का पवार साहब, किसान कोई गलत कृत्य नहीं कर सकता। आप किसानों पर बात रखिए, किसानों पर, कौन गोदी मीडिया है, कौन किसकी गोद में बैठा है, उस पर बात नहीं हो रही, आप किसानों की बात रखिए, इधर उधर मत जाइए। अरे भाई एक बात बताइए, हमारे आंदोलन चलते हैं, बताइए आप एक आंदोलन को आप अच्छे से दिखाते हो। अब मैं बताऊं, मैं नाम तो आपने मीडिया में नहीं लेना चाहूंगा, मैंने खुद अरे सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, मान्यवर सुन लीजिए, मैंने खुद एक एंकर का विरोध किया जब मेरे मुजफ्फरनगर महापंचायत में 15 लाख भीड़ पहुंची, और वो एंकर कहती है, उसमें मेरा पूरा बवाल बना है, आपके मीडिया के लोगों ने, वो एंकर कहती है या सैकड़ों की भीड़ है। किसकी भीड़ है वो? बीजेपी की सरकार और गोदी मीडिया किसानों को बदनाम करने का काम कर रही है। इस तरह का किसान, मेरे देश का भोला वाला किसान, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है लेकिन वो गलत कृत्य नहीं करता, और अगर इस तरीके का कृत्य हुआ तो उसकी तो निंदा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, उसमें पवार साहब, आप जरा भी निराश मत होइए, मैं निराश नहीं हूं, आप जरा भी निराश मत होइए,
पवार साहब आप जरा भी निराश मत हो, ये मेरी बात, मेरी बात सुनिए, आप जरा भी निराश मत हो। आपने घटना का जिक्र किया, आपको बताता हूँ कि आप बार बार गोदी मीडिया करके जो निराश हो रहे हैं, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया की जो परिभाषा है वो आपको बताता हूँ, कोई सपा की गोदी में बैठा है, कोई बीजेपी की गोदी में बैठा है, कोई कांग्रेस की गोदी में बैठा है, वो सब गोदी मीडिया है। ऐसे ही जो किसान नेताओं की गोदी में बैठे हैं वो भी गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया तो आपके भी घूम रहे हैं। अरे साहब, इसका मतलब आप कह रहे, ठीक है चलिए छोड़िए, आपके बारे में अच्छी बात चलाते हैं जी, ठीक है। अब पोदार साहब आप पर आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आपका, आपका जरा वर्जन ले लेते हैं, ठीक है। पोदार साहब ये बताइए कि अगर आप किसी चीज को लेकर अड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पहले भी हम लोगों ने इस तरीके से चीजें देखी हैं, पहले भी महन साहब टिकैत साहब ने आंदोलन किया है, लेकिन उन आंदोलनों में जो नियत थी वो साफ दिखती थी कि सरकार के साथ वार्ता होती थी, वार्ता हुई, सब फैसले लिए गए, कुछ निकल के फ्रूटफुल सामने आता था, कुछ आउटपुट साफ आता रहता था। लेकिन अब जो आंदोलन हो रहा है इसमें मुझे ये बताइए साहब कि क्यों 370 का जिक्र हो रहा है, क्यों ममता बनर्जी जी की रैलियों में जाने का जिक्र हो रहा है, ये सब चीजें क्यों हैं? ये आंदोलन, आज के जो आंदोलन होते हैं ट्विटर पर बैठकर, जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ जो अपना एजेंडा बुलंद कर रही हैं, वो इनका सपोर्ट कर रही हैं, हैशटैग चला रही हैं, मैं तो कहता हूं पूरी तरह से, और मैं पूरी साफ नीयत से कहता हूं पोदार साहब, ये जो भारत बंद है ये सिर्फ यूपी चुनाव का ताला खोलने का टूल है, इससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं समझता। आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है कि जो अभी आपने ओपनिंग में बोला था, काफी कुछ मैं उस बात से सहमत हूं आपकी बात से कि इस देश के अंदर ऐसा कोई, मेरा गला खराब है वरना आप और ज्यादा सहमत हो जाते हैं, चलिए बोलिए। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसान के समर्थन में ना हो जी, जो किसान का भला नहीं चाहता हो जी, जो एक अन्नदाता का ये नहीं चाहता हो कि अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो जी। इस देश का अन्नदाता बहुत दुखी है, आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 70 साल से आज तक लगभग 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली इसी इन्हीं परेशानियों से, और निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि एक किसान का भला हो। और जो आपने ओपनिंग का में दूसरा जो आपने वो रखा तो वो भी आपका बिल्कुल सटीक है कि ये जो आंदोलन है ये वास्तव में ये किसानों के लिए है ही नहीं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों की 13 समस्याएं मेरे सामने हैं, मैं आपको बिंदुवार गिना सकता हूं। हाँ, गिना। और जिस तरीके से जनवरी के अंदर सरकार दबाव में थी इस किसान आंदोलन को लेकर के, दिसंबर जनवरी के अंदर मैं कह रहा हूं उस टाइम सरकार शीर्षासन करने के लिए तैयार थी, उस टाइम ये जब 11वीं मीटिंग कर रहे थे, 10वीं मीटिंग कर रहे थे, उस समय ये किसान आंदोलन जो आंदोलनकारी है या युवक है कि जो नेतृत्व है किसान नेतृत्व है, ये उन 13 के 13 बिंदुओं के ऊपर सरकार को ला सकते थे, सरकार आने के लिए तैयार थी, उस टाइम आंदोलन अपने उरूज पे था, अपनी शिखर पे था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यस और नो की तख्ती लेकर के बैठ गए, एक हठधर्मिता का परिचय दिया। आज पूरे देश ने इस चीज को देख लिया है कि ये आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान नेताओं का आंदोलन है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो अभी तक का मूल्यांकन किया है, मैं किसानों के बीच में भी गया हूं और मैं गांवों के अंदर भी गया हूं इसी चीज को देखने के लिए कि भाई ये वास्तविकता है क्या, कहीं हमें दिल्ली में बैठ करके हमें भुलेखा तो नहीं लग रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर 3 प्रकार के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक मंशा है, जैसे अभी आपने बताया कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को और किसी पिच के ऊपर डिफीट नहीं कर सकती, वो किसान पिच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को खिलवाने के लिए इनको आगे कर रखा है। दूसरे वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसके अंदर जैसे आपने बताया, चाहे आप योगेंद्र यादव जी को ले लीजिए, चाहे आप टिकैत जी को ले लीजिए, चाहे चढ़ोई जी को ले लीजिए, सब ने चुनाव लड़ रखे हैं, 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ रखे हैं। तमाम योगेंद्र यादव कब से किसान बन गए, उदित राज कब से किसान बन गए, ये चंद्रशेखर आजाद ये तब से किसान बन गए, दूसरे क्या कर रहे हैं अभी, आप थोड़ा सा मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ जी बोलिए। दूसरे वो लोग, और तीसरे वो लोग हैं जो भ्रमित है, जिनको बेचारों को ये नहीं पता, जिनको इस देश के अंदर, आपको मैं बता दूं आज भी निरक्षरता का आंकड़ा बहुत बड़ा है,
और वो लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई बोलेगा कौवा तुम्हारा कान ले गया, वो लोग कौवे के पीछे दौड़ना चालू कर देंगे, अपना कान नहीं संभालते। उनको यही चीज, उनको ये चीजें बता बता करके उनको भ्रमित कर दिया गया कि अडानी अंबानी आएंगे तुम्हारी जमीनें अटैची में डाल करके ले जाएंगे, और उनको लग रहा है कि ये हमारी जमीन बचाने की लड़ाई है। जैसे टिकैत जी भाषण देते हैं कि रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, मुझे एक बात बताइए, वही किसान 370 पे भी आवाज उठाता है, वही किसान हर चीज के ऊपर आवाज उठाता है। मैं अभी इस किसान आंदोलन के अंदर ही मैं कुछ मीडिया बाइट्स देख रहा था, वो किसान कह रहे हैं आज कड़वा तेल 200 रुपए हो रखा है। मुझे एक बात बताइए, अगर सरसों का तेल 200 रुपए हो रखा है तो सरसों तो 6,500 रुपए बिक्री है, अगर किसान को लाभ किस चीज में है? किसान को 6,500 रुपए की सरसों बिकेगी और उसके बाद में 200 रुपए तेल होना लाजमी है ना। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि सरसों खरीदेगा 6,500 में, तेल बेचेगा 90 रुपए किलो में, कौन अपने घर से देगा? आज ये कह रहे हैं किसान, किसान भाई कह रहे हैं कि गन्ने की, हमारा गन्ने का मूल्य, मैं कहता हूं गन्ने का मूल्य आज 800 रुपए कर दीजिए, लेकिन जैसे ही गन्ने का मूल्य 800 रुपए होगा इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चीनी का भाव 150 रुपए चला जाएगा, फिर यही लोग इस सरकार को घेरेंगे कि आज चीनी का भाव 150 रुपया हो गया। भैया तर्क पे आइए, सिस्टम पे आइए, सब आपका भला चाहते हैं। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है और वो है उनकी निरक्षरता, वो है उनकी अज्ञानता। अगर आज किसान, ये किसान यूनियनें अगर किसानों को भला चाहती है तो इनकी पहुंच हरेक किसान तक हो सकती है। ये वहां जाकर के उनको साक्षर करें, उनको इस चीज के लिए अवेयर करें, उनको इस चीज के लिए बताएं कि भाई आपको कौन सी फसल करनी चाहिए, आपको अपना सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए, बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है कितना डालना चाहिए। नहीं बिल्कुल, बहुत खूबसूरती के साथ आपने सबको समझाया। गौरव मिश्रा साहब भी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। आप गौरव जी, आप सत्ता में हैं, सत्ता में बैठ के आप सत्ताधीन है, लेकिन ये बताइए, चलिए मान लिया ये किसान नेता हैं, लेकिन इन किसान नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं भोले भाले मासूम किसान भी तो फंस रहे हैं, तो आप इस चीज से, ये जो पिछले 10-11 महीने से जो भी चल रहा है इसके चलते आम जनता परेशान है, आपने क्या हल निकाला? आपने मसले को और पेचीदा किया? आप भी चाहते हैं कि इसके जरिए आपकी भी राजनीतिक जो मंशाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, आप भी इसका फायदा उठा रहे हैं, लोग तो यही कह रहे हैं। नहीं देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है, और किसानों की जब बात होती है या देश के जवानों की बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही गंभीर और संवेदनशील हो जाते हैं विषयों पर, और कहीं भी कभी भी किसी भी समय सरकार सख्ती का प्रयोग करती और किसी भी प्रकार से इनके ऊपर ऐसा लगता कि सरकार सख्ती कर रही है तो फिर वो किसानों के नाम पर ये उसको मार्केटिंग करने का काम करते और ये कहते विक्टिम कार्ड खेलते पूरे देश भर में। लेकिन आज इनकी सच्चाई परत दर परत प्याज की तरह बाहर आ रही है, और जिस तरीके से इन लोगों ने लाल किले के ऊपर चढ़कर के देश को अपमानित करने का काम किया, गौरव मिश्रा, प्रधानमंत्री मोदी जी को जान से मारने की धमकी आंदोलन में। गौरव मिश्रा जी, देखिये रटी रटाई स्क्रिप्ट मत दीजिए कि ये वो हो चुका है, ये हो चुका है, आप सरकार में, आपसे सवाल है उसका जवाब दीजिए कि ये कुछ भी हो, सड़क जाम हो रही है, जो भी हो रहा है, 10-11 महीने से यहाँ दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोग परेशान होते हैं, घूम कर जाते हैं, ये फ्लाईओवर वो फ्लाईओवर वहां से, भैया इसका हल क्या है? आम जनता आपसे ये प्रश्न कर रही है, इसका हल क्या है? इसका हल कब निकलेगा? इसका हल देश की जनता है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बस आ गए आप, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, अरे इसका हल क्या है? सुनिए, चुनाव जब तक आएंगे नहीं तब तक यही रहेगा। खेती करने वाले लोकतंत्र के पॉकेट मार जो है इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। भाई एक बात बताइए गौरव मिश्रा साहब, गौरव मिश्रा साहब, आपने शाहीन बाग खाली करा लिया, अगर ये आप कह रहे हैं कि निकल कर सामने आ गए इनका असली चेहरा, आप इनको क्यों नहीं खाली करा रहे भाई? इनको वही खाली कराएंगे जिनके नाम पर ये बैठे हैं, क्योंकि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं किसान आंदोलित नहीं है, और ये जो किसान के नाम पर आंदोलन की दुकान खोल बैठे हैं वही किसान इनको वहां से बाहर करेंगे, आप देखिएगा। और सरकार ना गोली चलाने वाली है ना लाठी चलाने वाली है, हाँ जनता को अगर परेशानी होगी, अरे सरकार ये बात कर देगी, सरकार ना गोली चलाने वाली है ना लाठियों की बात करती है। करनाल में क्या हुआ, इनके डीसी ने क्या किया, करनाल में क्या हुआ, इनके डीसी ने क्या किया? अरे मानव, एक एक करके पहले सबसे कमेंट ले लेते हैं, फिर डिबेट खोल देंगे, आप एक दूसरे पर खूब रस्सा कसी करिएगा, एक एक का कमेंट ले लीजिए जी।
गौरव जी बोलिए। देखिए सरकार ने अपने संयम का पूरा प्रदर्शन किया है। अरे भैया नहीं देखना आपके संयम का प्रदर्शन, अरे आम जनता परेशान हो रही है उस पर जवाब दीजिए। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? नहीं, आम जनता को ये परेशान कर रहे हैं और जनता भी वो देख रही है और वही जनता इनको जवाब देगी 2022 में उत्तर प्रदेश में देगी, 2024 में केंद्र में भी देगी, इसके लिए हम आश्वस्त है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी, कानून के साथ जो खेलेगा पुलिस कार्रवाई करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अनिल देवास साहब पे आते हैं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हैं। अनिल देवास जी आपको आवाज, ठीक है अनिल देवास साहब को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। अभिषेक पवार साहब के पास आते हैं वापस। अभिषेक पवार साहब, आपने पूरी बातें सुन ली, निरंजन पोद्दार साहब की राजनीतिक विश्लेषक जो है और गौरव मिश्रा साहब जो बीजेपी से, उनकी पूरी बातें सुन ली। अब आप बताइए कि आपका इनकी बातों को लेकर क्या कहना है। देखिए सबसे पहले तो पोद्दार साहब को बता दूं, पोद्दार साहब ये कह रहे थे कि हमारे देश का किसान निरक्षर है, उनको शिक्षा की ओर बढ़ावा देना चाहिए। अरे हमारे किसानों ने एक मांग रखी आपकी प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री तो हम लोगों के भी है, लेकिन मोदी जी ने एक मांग रखी, इन्होंने कहा कि 14 दिन का जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब सरकार बन जाएगी तो संसद में हम सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, और अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाती नहीं तो मेरे देश के किसान को केसीसी की आवश्यकता थी, उनको खाद उधार देते आप लोग, अगर जब उनके पास पैसा नहीं, समय में पेमेंट नहीं। अरे समय, जी जी जी, किस चीज की आवश्यकता नहीं थी आपने कहा? उनको अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट, हाँ अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाती तो मेरे देश के किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता ना होती, मेरे देश का किसान कर्ज में ना जाता, और कर्ज में गया तो अपने बच्चे को पढ़ा है कैसे, क्योंकि इनकी जो शिक्षा नीति है, इन लोगों की भाई उपार मत जाओ, इनकी जो शिक्षा नीति है, इनकी जो शिक्षा नीति है उसकी अगर मैं बात करूं, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप लोग उठा के देखिए इस तरीके से शिक्षा नीति को इस सरकार ने दामादेव करने का काम कर दिया, कर लीजिए। दूसरा गौरव मिश्रा जी कह रहे थे, ठीक है बताइए जी जी जी, मेरा खेल बात है। और गौरव मिश्रा जी कह रहे थे कि देश के किसानों पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे, करनाल में क्या हुआ मेरे देश के किसानों के साथ, करनाल में क्या हुआ, इनके डीसी ने पिटाई करने की काम कर दिया, क्योंकि एक किसान की मृत्यु हो गई, लाठी डंडा खड़ा पड़ा किसने किया, आपके आप ही की तो सरकार है ना, वहां पे जवाब दीजिए, आप ही की सरकार है। पोद्दार साहब आप कहते हैं कि निरक्षर है मेरे देश का किसान, अरे निरक्षर किया है। पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक है भैया, गौरव मिश्रा साहब है बीजेपी के राजनीतिक विश्लेषक साहब को कहां सत्ता बनाना चाहूंगा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। जी कहिए कहिए। हाँ ऐसा है अभिषेक जी, अगर किसी के पेट में दर्द हो तो सरदर्द की दवाई से पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। आप जिन किसानों की बात कर रहे हैं, मैं उन किसानों की बात नहीं कर रहा, इस देश के अंदर दो प्रकार के किसान है, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक किसान वो है जो बड़ी बड़ी जमीनें जिनके पास है और जो खेत में नहीं जाते महीनों महीनों, और एक किसान वो है जिनकी बहुत छोटी जमीनें हैं, 4 बीघे 5 बीघे 2 एकड़ 5 एकड़, मेरी बात समझिए, और जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं वहां पे भी जो जुताई का और जो पिलाई का और जो बुआई का और जो कटाई का काम करता है वो कोई और होता है, जमीन का मालिक कोई और होता है। तो मैं उस किसान की बात कर रहा हूं कि जो जुताई बुआई और वहां जो पिलता है, वहां जो जाकर के अपने अपना पसीना बहाता है, आप उन किसानों की बात कर रहे हैं जिनके घर के अंदर ओडी खड़ी है, जिनके घर के अंदर फॉर्चुनर खड़ी हुई है, जिनके घर पे पूरा का पूरा एसयूवी गाड़ियों का बेड़ा है, मेरी बात समझिए। और वो मैं उनको किसान नहीं मानता, मैं उनको ठेकेदार मानता हूं, और जो इस देश का, मैं भी 100 ऐसे किसानों को जानता हूं जो ढंग से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। आप कहां की बात कर रहे हैं, रही बात गौरव जी की, तो मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरी को घटो जो भृगु मारी लाभ। आज आपने बहुत अच्छी बात करी है गौरव जी, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पार्टी को, आपकी सरकार को एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे आज के 5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी
कि मैं केवल एक फोन कॉल की दूरी पे हूं और मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं इस देश का संवेदनशील, इस देश का किसान बहुत संवेदनशील है और ये जो किसान नेता, अरे पुदार साहब जी, अगर कोई सोया हुआ होता है तो उसको जगाना आसान होता है, अब कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे। अब ये कहेंगे जैसे राकेश टिकैत साहब ने कहा था कि फोन कॉल की दूरी पर हमें फोन नंबर दे दो, सामने बैठकर बात करते हैं, अगर आप जिद पर अटक जाएंगे मुद्दा सब ये मैं आपको बताना जी, मैं आपको मुझे तो यह लग रहा है, देखिए मैं इसको जवाब देना चाहूंगा पुदार साहब, मैं माफी चाहूंगा, मुझे एक चीज लग रही है, मुझे क्यों प्रतीत हो रही है, मुझे सीधा नहीं मेरी मैं पूछ सीधा बता दूं, माफी चाहूंगा, आप उम्र में भी बड़े हैं और बड़े भाई जैसे हैं, आप उम्र में भी बड़े हैं और मेरे आप उम्र में बड़े हैं और बड़े भाई से निवेदन करके समय मांग रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं एक बार मैं बता दूँ। नहीं पुदार साहब थोड़ा रुक जाइए, पुदार साहब रुक जाइए, पवार जी बोलिए। आपने ये कहा, कहने लगे गौरव जी आपने बहुत अच्छी बात की और आप ये कह रहे हैं कि ओली और मर्सिडीज वाले किसान है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सीधा सीधा, मेरे देश में तीन प्रकार के किसान है, आप कहते हैं कि दो प्रकार के किसान है मेरे देश में, सीमांत लघु सीमांत और जो हाई किसान है, जो जमींदार किसान है, बड़े बड़े किसान है, पहले तो आपके आपके लिए आप कौन से किसान है, पवार साहब आप कौन से किसान है, नेता वाले किसान है, आप नेता वाले किसान है, जी आप नेता वाले किसान है, नेता वाले किसान है, छोटा सा छोटा सा किसान हूँ, आप छोटे से किसान है, आखिरी समय आपने कब हल चलाया था, आखिरी बार कब हल चला, एक मिनट पुदार साहब और गौरव मिश्रा साहब एक मिनट रुकिए, अरे पुदार साहब जरा रुकिए, गौरव मिश्रा साहब आप भी रुकिए, अभिषेक पवार साहब आप लघु किसान है, ठीक है आपने बताया आप नेता वाले किसान नहीं है, आप लघु किसान है, ये बताइए आखिरी बार आपने हल कब चलाया था, चले चलाइए छोड़िए, आपने कब देखा था, मैं बताता हूँ, आपने हल्की बात की, मैं डेली अभी मेरे यहाँ पे गन्ना बधाई का काम चल रहा है, मैं सुबह 8-9 बजे तक गन्ना बधाई करने का काम करता हूँ, आप मेरे से पूछिए, मैं हाली भी हूँ, मैं नाके बांधने वाला भी हूँ, मैं जो गन्ने की फसल बड़ी हो रही है और गन्ने अभी डलने वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप पूरे दिन गन्ना भी उगाते हैं, आप हल भी चलाते हैं और शाम को डिबेट में बैठकर देश के आम किसानों से कहते हैं कि नहीं कुछ मत उगाओ, छोड़ो सब खत्म करो, सड़क पर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, सब बंद कर दो, उनको भड़काते हैं आप। जी जी देखिए हम लोगों का, मेरे देश का किसान पहली बात तो वो बहुत अलग लोग होंगे जो भड़काने का काम करते हैं, हम लोग तो केवल अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोगों को रोड पे भी आना पड़े, हम लोगों को धरने में भी बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे अपने अधिकारों की मांग की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ की जो सत्ता है वो हम पे डंडा बजाने का काम करेगी, मेरे किसानों को मारने का काम करेगी, और मैं पूछ रहा हूँ गौरव मिश्रा साहब ठीक है, हजारों किसान मर गए, ठीक है गौरव मिश्रा साहब से सवाल ही लेते हैं, गौरव मिश्रा साहब ठीक है पवार साहब पता किया मेरे किसान भाई, ठीक है गौरव मिश्रा साहब आप पर आ जाते हैं, ये कह रहे हैं कि आप उनको लाठी डंडे ये सब चलाने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उन पर हिंसा कर रहे हैं। नहीं देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि देश का किसान बिल्कुल सड़कों पर नहीं है, ये बात स्पष्ट कर दें, हाँ कुछ लोग हैं जो गुमराह हैं, जो इनके साथ चले जा रहे हैं, वो किस प्रभाव से जा रहे होंगे वो जाने, और जब ये आंदोलन के लिए उतरे थे तो देश के 42 संगठन इस आंदोलन में साथ दे रहे थे, आज इनका 2-3 संगठन के अलावा और कोई संगठन बचा नहीं, और अंततः इतने नेताओं में सिर्फ एक ही नाम उभर करके सामने आ पाया, वो टिकैत का, और टिकैत जी जो 2016 में जितनी उपज वो पैदा करते थे उससे कई गुना सैकड़ों गुना ज्यादा उपज उनकी मात्र 5-6 साल में हो गई, तो उस तरह के किसान तो कम से कम मैं समझता हूँ कि देश में नहीं है, बहुत कम है, जो उनके पास जादूगरी है वो और किसानों को बता देते तो शायद सरकार को इतना परिश्रम मेहनत नहीं करना पड़ता। इस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने MSP को बढ़ाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना के मूल्य को बढ़ाने का काम किया है, MSP पे गारंटी दे दो। अरे पवार साहब MSP पे गारंटी दे दो, ऐसे मांगने से थोड़ी ना मिलता है सब कुछ, थोड़ी देर रुकिए सुनिए, अरे हम तो सरकार के लोग है ना, सरकार के लोगों से मांग रहे हैं, सरकार के लोग है तो
भैया हमारी बात पहुंचा दो, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सैलरी ना बांधे आपकी, सैलरी ना बांधे आपकी, ये सरकार के लोग हैं, सैलरी ना बांधे आपकी, तनख्वाह बांधे आपकी, पेंशन बांधे आपकी। सैलरी की बात कर रहे हैं आप, मांगने से क्या, तनख्वाह बांधे आपकी, पेंशन बांधे आपकी, मांगने से मिलता है, क्या बात करते हैं। चलिए रुकिए, थोड़ा देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, सुन लीजिए, थोड़ी देर। 300% की बढ़ोतरी हुई है सरकारी कर्मचारियों की, किसानों की 80% की बढ़ोतरी, तो ये तो अच्छी बात है, सरकार कहीं अच्छा काम कर रही है, वाह वाह करिए उनकी। रुकिए एक मिनट, चलिए बोलिए बार जी, कर्मचारी के लिए आप कह रहे हैं कर्मचारियों के लिए अच्छा हुआ, बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। रुकिए साहब, पेट भरने का काम करता है देश का किसान, देश का किसान खेत में जाके पेट भरने का काम करता है। उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है, अन्नदाताओं की ही बात कर रहे हैं। खाते में जाती होगी, ये खाते में किसान सम्मान निधि लेते होंगे, किसान मान धनी होंगे। अरे आप अपनी, अरे सुनिए, आप किसान सम्मान निधि पे किसान को खरीदना चाहते हैं क्या? आप किसान सम्मान निधि वापस ले लीजिए, हमारा, हमारे जो तीन काले कानून वापस ले लीजिए, हमारा गन्ने का पेमेंट टाइम पे करा लीजिए, हमें जरूरत ही नहीं है, हमसे पर 2000 रुपए लेने का काम कर लो। और किसान से आप लोग किसान सम्मान निधि की अगर बात कर रहे हैं, आप लोग किसान सम्मान निधि की बात करें, 2000 रुपए में आप लोग किसानों को खरीदना चाहते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, काले कानून है, आप काले कानून कैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा इस पे आज मुझे थोड़ा बेहतरीन से समझाइए, आप काले कानून कैसे बता रहे हैं इनको? क्योंकि क्योंकि इतिहास में काला कानून उसे बताया गया है जहां पर किसी को प्रचंड सजा दी जा रही हो, किसी को काला पानी में बंद किया जा रहा हो, ऐसे कानूनों को काला पानी कहा गया है। आप इस कानूनों को, जो तीन कृषि कानून है, इनको काला पानी किस आधार पर बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए सबसे पहले तो प्रकाश की मान्यता में बताऊं, अरे मैं बताता हूं, मैं, अरे गौरव जी आप रुकिए, जब बोलने का समय होता है तब तो आपके नेटवर्क, चलिए जी अभिषेक जी आप बोलिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, काले कानून तो दिखाई पड़ रहे हैं, काले कानून सीधा सीधा दिखाई पड़ रहे हैं। अरे कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, कौन सी दिव्य दृष्टि है आपकी, कौन सा चश्मा लगा के देख रहे हैं? राकेश टिकैत साहब ने जो चश्मा दिया उसको लगा कर देख रहे हैं क्या? कौन सी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं? सीधे सीधे वेयर हाउस टाइम से पहले कैसे बना दिए, वेयर हाउस टाइम से पहले कैसे बना दिए, क्या एक सेकंड, अरे गौरव जी बैकग्राउंड म्यूजिक में मत बोलिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर बोल रहे हैं आप, रुकिए एक मिनट, रुकिए गौरव जी रुकिए, चलिए पवार बोलिए, बताइए आप कुछ कहना चाहता हूं। पोदार साहब अभी आते हैं, आप पर भी आएंगे। अरे गौरव जी ठीक है जनाब, सत्ता में है लेकिन थोड़ा सा विश्राम करिए जी। पवार साहब आप बोलिए, अरे फिर मैं कह रहा था, अरे गौरव जी आपसे हाथ जोड़कर सत्ता में है लेकिन फिर थोड़ा सा लोगों बाकियों को भी बोलने दीजिए, ऐसा मत करिए जी। देखिए बोलिए, देखिए सबसे पहले तो वेयर हाउस इन लोगों ने टाइम से पहले कैसे बनवा दिए, कैसे बड़ी बड़ी अंबानी अडानी कंपनी को ठेका देके वेयर हाउस कैसे बनवा दिए, सबसे बड़ा सवाल। मुझसे इन्हीं के प्रमुख सचिव से मेरी एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पवार साहब आप एक व्यापार कर लीजिए, और मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, ये सरकार लोन देगी, आप वेयर हाउस बना लीजिए। मुझे लगा कि वेयर हाउस बनने में क्या होगा, बाद में पता लगा कि ये काले कानून किसानों के सामने लाएंगे, किसानों को बेचने का काम करेंगे, किसान की रोटी को तिजोरी में बंद करने का काम करेंगे, तब हम लोगों को पता। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, ये बात कहते हैं MSP की बात करते हैं, ये हमारी फसल की गारंटी दे दीजिए, फसल भी ये दे दीजिए, हम लोग धान की, हाँ बोले धान की हम लोग बात करते हैं, हम गेहूं की बात करते हैं, अगर हम मंडी में बेचने जाए, मंडी के लोग तो उन्होंने टाइम से पहले बंद करा दिए, मंडी टाइम से पहले बंद करा दी, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तब तक नहीं खुली, और फिर बाजार में अपने हिसाब से बिकने लगा गेहूं, अपने हिसाब से बिकने लगा धान। अगर सरकार रेट तय कर दे और लिख दे उसमें कि अगर कोई तय सीमा से कम लेगा उसको जेल होगी, तो मेरे देश का किसान निश्चित रूप से क्या पता फिर इनके पक्ष में आ जाए। इस तरीके से 14 पुदार साहब, पुदार साहब उत्तर प्रदेश में 19 में केंद्र में आने का काम किया आप, थोड़ा सा ठीक है बोल लिया आपने पवार साहब, बोल लिया मैं कुछ कहना, ठीक है पुदार साहब आप पर आ रहा हूं लेकिन अभी पवार साहब ने पूरी मुझे जो जानकारियां दी उस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवार साहब, लेकिन एक बात बताता जाऊं आपको पवार साहब कि आपने तीन बातें बोली, मुझको भी तीन बातें बोलने दीजिएगा, ठीक है तीन बातें सुन लीजिएगा पवार साहब। सबसे पहले तो पवार साहब
आपको जरूरत है उस व्हाट्सएप ग्रुप से खुद को एग्जिट मारने की, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी भ्रामक खबरें, ऐसी भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं और आपके दिमाग में प्लांट की जा रही हैं, आप ऐसे ग्रुप से तत्काल रूप से एग्जिट कर लीजिए। दूसरी चीज, आपने मुझसे कहा कि सरकार के जो भी कोई प्रमुख का नाम लिया आपने, इनका नाम लिया, सेक्रेटरी का नाम लिया, आप नाम लेने को अगर ये कह रहे थे कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे चुपके से एक चिट दे दी, उसमें लिख दिया कि कुछ नहीं, ये सब ऐसा ही होने वाला है किसानों के साथ, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, अडानी अंबानी, ये अडानी अंबानी के बारे में आपको कौन बताता है, ये आज आप क्लियर बताइए, आपसे किसने कहा कि अडानी अंबानी ने वेयर हाउस बना दिए, अडानी अंबानी ने देश के किसानों का सब कुछ खरीद के रख लिया, और कौन कहता है आपसे? मैं बहुत मासूम, मेरा सवाल है, मासूम सा सवाल है, बड़ा प्यारा और बड़ा मासूम सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि आपको अडानी और अंबानी की ये जो टैबलेट है ये कौन देता है? अब थोड़ा सा सोच, वॉलमार्ट, मैं तो पूछ रहा हूं, वॉलमार्ट कंपनी जो है, वॉलमार्ट जो है किसने खरीदने का काम किया? वो वॉलमार्ट खरीदेंगे, कल को वो कुछ भी खरीद सकते हैं भाई, वो व्यापारी। सुनिए, मेरा उससे तर्क नहीं है, मेरा उससे तर्क नहीं है, तर्क ये है, आपसे ये किसने बोला, आपसे ये किसने बोला? अरे रुकिए, पवार साहब, इन्होंने ट्रेन बेचने का काम कर दिया और आने वाले समय में, अभी तो किसान को बेच रहे थे, अगर किसान अपने अधिकारों की मांग को लेके खड़ा ना होता तो किसान को बेच रहे थे भैया। अगर राकेश, आप किसान, एक मिनट, आप किसान को बेचने से क्या समझते हैं? आप किसान को बेचने से क्या, आप एक बात बताइए, उसमें क्या आपको लगता है कि राकेश टिकैत साहब को, राकेश टिकैत साहब को अगर बीजेपी वाले 5 करोड़ रुपए और एक टिकट दे देंगे आने वाले चुनाव में तो राकेश टिकैत साहब बिक जाएंगे, आप ऐसा समझते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे भाई सुनिए, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग बिकते नहीं है। अभी तो आपने कहा कि किसानों को खरीदने का काम, बेचने का काम कर रही है, जैसा कि किसानों को बेचने का काम कर रही है, देश को ये लोग लूट रहे हैं, देश को ये लोग, जैसा कि प्रॉपर्टी देखिए किसने कितने से कितने बढ़ गई, ये लोग, हम लोग तो हाली है हाली, हम लोग तो हल चलाते हैं, हम लोग तो हल चलाने का काम करते हैं। अभी आप कह रहे थे कि किसान जो है, ये लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और भैया वो कौन सा हल है जिसे चलाकर आपने, अब कह दिया है ना कि किसान गरीब है, आप गरीब किसान की बात कर रहे हैं, तो फिर अमीर किसान भी तो हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर बता दीजिए वो कौन सा हल है जिसको चलाकर अगर मैं मर्सिडीज में जाकर प्रदर्शन कर सकता हूँ, किसानों को, ठीक है पुदार साहब, आप जी ऐसा है, मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले, और मैं आपको एक चीज जो अभी आपने बहुत बढ़िया बात कही, मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसने सारा का सारा रायता फैलाया हुआ है। जो भाई साहब वेयर हाउस की बात कर रहे थे तो इसके अंदर दो पहलू हैं, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। पहला पहलू तो यह है कि जो वेयर हाउस है ये वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी नीति 2007 के अंदर चालू की थी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, और पूरे देश के अंदर वेयर हाउसों का जाल बनाने की बात थी। और दूसरा पहलू यह है कि वेयर हाउस बनने से किसान का कभी भी नुकसान नहीं होगा, किसान का फायदा होगा, क्योंकि जो फसली सीजन है, जो सीजनी फसल है वो किसान की आज सीजन के अंदर ओने पौने दाम में बिकती है, और ऑफ सीजन के अंदर उसकी आपूर्ति नहीं होती, उसके भाव कहीं से कहीं जाते हैं। और वेयर हाउस होने का मतलब है किसान कुछ किराया भाड़ा देकर के, जो सामर्थ्यशाली किसान है वो कुछ किराया भाड़ा देकर के अपनी चीज को वहां रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, जैसे कोल्ड स्टोर के अंदर सब्जियां रखी जाती हैं। तो उससे वेयर हाउस बनने से इस देश के किसानों का विकास होगा, विनाश नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आप राकेश टिकैत जी की बात कर रहे थे, मैं आपको दिखा सकता हूं कि 26 जून 2020 का मुजफ्फरनगर एडिशन दैनिक हिंदुस्तान के अंदर राकेश टिकैत जी का इतना बड़ा इंटरव्यू छपा है, जिसके अंदर उन्होंने इन कानूनों की प्रशंसा करी है, और उन्होंने ये बात उसके अंदर कही हुई है कि आज बाबा टिकैत की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। तो उस दिन अगर ये कानून अच्छे थे तो आज काले कैसे हो गए? तीसरी बात, काले कानूनों की आपने बात कही और पवार साहब बड़ा जोर जोर से बता रहे थे, उसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके साथ मैं कैमरे के साथ चलने के लिए तैयार हूं, मेरा दावे के साथ है, आप वहां जो
टीकरी बॉर्डर पे या इस ढांसा बॉर्डर पे या पंजाब बॉर्डर पे जो भी किसान नेता बैठे हुए हैं, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अभिषेक जी को भी चैलेंज करता हूं आपके टीवी चैनल के ऊपर कि पहले तो इन तीनों कानूनों का नाम बता देंगे कि ये किस नाम से कानून पास हुए हैं, उसके बाद में कौन से कानून में कितनी क्लॉज है, कितनी धाराएं हैं, कितनी कौन सी धारा के अंदर क्या अधिवक्ता थोड़ी रहा जो एक एक चीज बता देंगे धारा ये सब वो सब। चलिए ठीक है आपका हो गया। अब मैं पवार साहब पे वापस आऊंगा। पवार साहब बस आपसे एक छोटा सा आपको एक तथ्य मेरे दिमाग में आया वो आपको बोलकर फिर मैं सीधे गौरव मिश्रा साहब पर आऊंगा जिनकी गाड़ी लगातार चलती जा रही है। ठीक है, तो पवार साहब ये कह रहा था मैं कि जिस तरीके से अभी पोदार साहब बता रहे थे, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, सच में एक वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप रोज मेरे कार्यक्रम में आएंगे तो आज आपके नीचे जो दिया है ना आपका नाम, वो दिया है किसान नेता अभिषेक पवार, किसान नेता भाक्यू। अगर आप रोज मेरे कार्यक्रम में आएंगे, रोज सुनेंगे, हम सब लोगों से चर्चा करेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप एक हफ्ते के अंदर ही आपके नाम के नीचे मैं दूंगा असली किसान। आप ऐसा बदलाव आएगा आप में, आप रोज आइए मेरे कार्यक्रम में, आपके अंदर बदलाव आएगा। ठीक है, अब गौरव मिश्रा साहब पे आते हैं। जी बिल्कुल, आप पर आऊंगा। गौरव मिश्रा साहब पर आते हैं, बड़ी देर से इनकी गाड़ी चली जा रही है, लेकिन गौरव मिश्रा साहब ये बात जग जाहिर है कि भारत में हर राज्य में किसानों की हालत कुछ अच्छी नहीं है। आपकी सरकारों से पहले जो सरकारें रही, कांग्रेस की बात कर लूं, तब भी कुछ हुआ नहीं, आपकी सरकार आई तब भी कुछ हुआ नहीं, किसानों की हालत खराब है। उस पर आपके पास क्या कुछ है, अगर है तो रखिए, नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी तो चली रही है, बताइए। नहीं देखिए, सत्य नहीं है, गाड़ी मेरी भी चल रही है और 120 की रफ्तार से चल रही है और इस देश के भी विकास की नहीं प्राप्त कर सकी। किसानों की हम बात आते पत्र आते, सर्वाधिक समय तक शरद पवार साहब कृषि मंत्री रहे, कांग्रेस का शासन रहा है और उनके शासन काल में ही सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी किसान आत्महत्या पर मजबूर नहीं हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे देश में आने का जो लक्ष्य तय किया गया था और उसके जो वृद्धि का दर था, उस वृद्धि के दर को लगभग 18 ठीक है। गौरव मिश्रा साहब माफी चाहूंगा, आपकी आवाज के साथ कुछ समस्या हो रही है। ठीक है गौरव मिश्रा साहब, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज के साथ कुछ समस्या हो रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है। चलिए पोदार साहब के पास चलते हैं। पोदार साहब, बड़ी देर से आप कुछ भी अभिषेक पवार साहब बोलते हैं, आप एकदम से, आपके अंदर पता नहीं कौन सी एनर्जी वो एकदम से प्रकट होती है कि आपकी तुरंत उंगली आ जाती है, बताइए क्या बोलना है आपको। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान की बात करे उसको किसान की बात करना चाहिए, उसको सीएजी नहीं बनना चाहिए इस देश का। इस देश के अंदर वो संवैधानिक पद है और वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ और अपना कार्य कर रहा है। अभी अभिषेक जी कभी रेल बेचने की बात कर रहे थे, कभी जैसा की बात कर रहे थे, कभी अडानी अंबानी की बात कर रहे थे। अभी आप मुझे तो अभिषेक जी बात सुनिए, बीच में ना बोलिए, आप चाचा जान हैं, आप ऋषि के भाई हैं, मुझे दिखाई पड़ रहा है आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी के एजेंट हैं, मुझे दिखाई पड़ गया, मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया, बार बार पवार साहब आप छोटी सी बात से खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप बीजेपी के एजेंट है पोदार साहब से। अगर आपकी लड़ाई सरकार से तो कहिए सरकार के एजेंट है, बीजेपी के एजेंट कहाँ है? मैं आपको, अगर वो आपको लग रहा है आपके खिलाफ है तो सरकार के एजेंट बोलिए, बीजेपी के एजेंट क्यों बोल रहा है? महाराष्ट्र सरकार ये जो उद्धव ठाकरे बैठे वो आपके हैं, जहाँ कांग्रेस सरकार बैठी है वो आपकी है। अच्छा, तो मतलब जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन जहां जहां बीजेपी है वहां वहां समस्या है, तो सीधे बोलिए लड़ाई बीजेपी से है, सरकार से नहीं है।
आपको भी रोजगार दिया है, आपको भी दे रखा है, आपको दे रखा है पत्ता, आप जरूर, ये गारंटी है। और सुन लो, 2022 में ढरिया दवाई मिलेगी, बल्ला वाली दवाई मिलेगी, इलाज हो जाएगा 2022 में, जिस तरीके से बंगाल में हुआ। और 24 तक इलाज करेंगे, दवाई मिलेगी आप लोगों को, 24 तक इलाज करेंगे, 2022 में इलाज करेंगे। हमें तो पता चला था कि आप यहाँ पे किसान नेता बन करके बैठे, यहाँ तो आप तो डॉक्टर बन गए एक मिनट में, हर चीज का इलाज। बिल्कुल, मेरी सुन लो, सरकार के डॉक्टर बनना पड़ेगा किसानों को, किसान को डॉक्टर बनना पड़ेगा, सरकार का डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बीमार हो रही है, सरकार बीमार हो गई, सरकार बीमार हो गई, अब डॉक्टर बनना पड़ेगा, सरकार बीमार हो गई। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, बोर्डरों पे बैठी हुई जो भीड़ थी आज के 10 महीने पहले जो भीड़ थी, और आज जो भीड़ है वो आप अपने आप आपके बारे में बता रहे हैं। आज भी इतने लोग आ सकते हैं, आज भी मुजफ्फरनगर में देख लिया आप लोगों ने मंजर, मुजफ्फरनगर में मंजर देख लिया आप लोगों ने, आप लोग तो जरूर, आप लोगों को बंगाल में हो गया, हम यहाँ होगा, बंगाल में हो गया, हम यहाँ होगा, बंगाल में हो गया, यहाँ इलाज होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव मिश्रा साहब, कुंवर बिलाल भरनी साहब, निरंजन पोदार साहब, अभिषेक पवार साहब और अनिल देवर साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जाते जाते एक बात बताऊं दर्शकों, दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा कि अभी जो हमारे साथ अभिषेक पवार साहब थे, वो कह रहे थे कि 2022 में बता देंगे, वो कह रहे थे कि 2024 में बता देंगे, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र का जिक्र होता है तो चुप हो जाते हैं, जैसे ही कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरला का, यहां का जिक्र होता है तो चुप हो जाते हैं। दर्शकों, इनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, इनकी लड़ाई कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है, इनकी लड़ाई किसी एमएसपी को लेकर नहीं, इनकी लड़ाई किसानों के मसलों का हल इसके लिए नहीं, इनकी लड़ाई है कि कैसे बीजेपी को सत्ता से हटा दे, क्योंकि इनके पास डायरेक्ट लड़ने के लिए ना तो कोई एजेंडा है, लड़ने के लिए ना तो इनके पास कोई प्लान है, ना तो लड़ने के लिए इनके पास कोई भी मामला था। तो इन्होंने अब हमारे किसान भाइयों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को अपना सहारा बना लिया है, और इनके नाम के पीछे छिपकर, इनका मुखौटा लगाकर ये लोग पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं। दर्शकों, ये लड़ाई कभी भी किसानों की लड़ाई थी ही नहीं, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, ये लड़ाई सियासत की लड़ाई है, और इस लड़ाई के पीछे आज नहीं तो कल एक दिन जरूर, ये जब टूल किट जब खुलेगी तो इसमें कौन कौन से चेहरे दिखेंगे, इसमें राहुल गांधी दिखेंगे, इसमें सोनिया गांधी दिखेंगी, ममता बनर्जी दिखेंगी, और इसी के साथ इसमें समाजवादी पार्टी दिखेगी, RLD दिखेगी, इसमें तमाम विपक्ष के चेहरे दिखेंगे, क्योंकि जो राकेश टिकैत साहब हैं, ये इस टूल किट के स्टार प्रचारक, इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम तो थे ही नहीं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे पर चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।